बीएल सेंट्रल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार की छात्रा गुंजन ठाकुर राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद स्पर्धा शॉटपुट व डिस्कस थ्रो में राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने और राज्य स्तर में खेलकूद स्पर्धा में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों का स्वागत और सम्मानित किया गया। विद्यालय आने पर विद्यालय अध्यक्ष, मुख्य अध्यापिका और प्रधानाचार्य ने सभी खिलाड़ियों को माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। उसके उपरांत एनसीसी बैंड की टुकड़ी से सभी बच्चों ने तालियां बजाकर सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया। विद्यालय अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ये बड़े गर्व की बात है कि गुंजन ने राज्य स्तरीय अंडर 19 छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता डिस्कस थ्रो और शॉटपुट में पहला स्थान प्राप्त कर दो गोल्ड मेडल सोलन जिले के नाम किए। वो साथ ही दिशिता शर्मा ने राज्य स्तरीय अंडर 14 छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता सोलन जिले व विद्यालय का नाम रोशन किया है, जिससे गुंजन और दिशिता का चयन राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद स्पर्धा के लिए हुआ है। साथ ही राज्य स्तरीय अन्य खेलों में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों विपुल, कविता चौधरी, रिधिमा, अनन्या, निहारिका को भी माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष ने इस उपलब्धि के लिए जिला उच्च खेल शिक्षा अधिकारी सोलन सुरेंद्र कुमार, जिला प्रारंभिक खेल शिक्षा अधिकारी सोलन बलदेव, उच्च उप शिक्षा निदेशक सोलन जगदीश नेगी, प्रारंभिक उप शिक्षा निदेशक सोलन का धन्यवाद व्यक्त किया है और कहा कि इनके मार्गदर्शन से गुंजन व दिशिता हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व कर विद्यालय का, इलाके का और हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन करेंगी। विद्यालय प्रबंधन समिति अध्यक्ष और विद्यालय प्रधानाचार्य ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गुंजन ठाकुर व दिशिता का राष्ट्रीय स्तरीय खेलकूद के लिए चयन होने से विद्यालय के लिए बड़े हर्ष की बात है। उन्होंने बताया कि गुंजन ठाकुर एक बहुत उम्दा खिलाड़ी हैं। इनका लगातार तीसरी बार व दिशिता का पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर चयन हुआ है। साथ में दिशिता को और इनके पेरेंट्स को भी बधाई देता हूं, जो फर्स्ट टाइम एलिमेंट्री सेक्शन में जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया और नेशनल के लिए सिलेक्ट हुई है। और सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बधाई देता हूँ जिन्होंने स्टेट लेवल में, चाहे वो चेस कंपटीशन है चाहे रेस है, उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मैं मैनेजमेंट की तरफ से इन सभी को बधाई देता हूँ और ख़ासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो हमारे उप शिक्षा निदेशक है डॉक्टर जगदीश नेगी जी और हमारे ADPO है सोलन के सुरेंद्र कुमार जी के मार्गदर्शन में इन बच्चों ने स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पर प्रथम पोजिशन प्राप्त की। तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि इस स्कूल में सभी गतिविधियों को में भाग बच्चों से कराया जाता है और ये बच्चे हर क्षेत्र में, चाहे साइंस का क्षेत्र हो, इस बार चाहे वो अकेडमिक सेक्टर हो, अकेडमिक सेक्टर में भी दो बच्चे हमारे हिमाचल प्रदेश में टॉप 10 में जगह बनाई थी। इसी तरीके से नेशनल में भी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी ये बच्चे नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके साथ ही NCC हो, NSS। मैम, आपकी बेटी ने हिमाचल में शॉटपुट इवेंट में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर नाम रोशन किया है, आपको कैसा फील हो रहा है? सर, मुझे इस बारे में बहुत ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि ये पहली बार गई है खेलने और इसने हिमाचल टूर्नामेंट जो धर्मशाला में अंडर 14 हुआ है उसमें जिला सोलन को रिप्रेजेंट किया था और सोलन जिला के नाम रोशन करने के साथ साथ इसने अपने स्कूल BL सेंटर पब्लिक स्कूल का नाम भी बहुत ज़्यादा रोशन किया है। इसके लिए मैं स्कूल की चेयरमैन सर, प्रिंसिपल सर गोपाल सर, मैडम मुख्य अध्यापिका, प्रिंसिपल सर गुलेरिया जी और विशेषकर उनकी जो DP मैडम है अरुणा मैडम और इनके जो PTI सर हैं उनका हार्दिक धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इसके अवसर दिया और साथ साथ इसको प्रमोट किया बहुत ज़्यादा। मतलब इसको ने इस ये अपना अच्छा से अच्छा प्रदर्शन दे सके और इसने सफलता हासिल की। इनके जो इनकी जो आशा थी उसमें खरी उतर के अपने सोलन और स्कूल का नाम दिया। इसके लिए मैं स्कूल मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ। कुनिहार से मीरा शर्मा की रिपोर्ट।